हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और डिग्री वाले के लिए। इसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले के लिए बहुत ही अच्छी खासी जॉब निकल के आई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, और जो भी रिक्वायरमेंट निकल के आई है, कहाँ से निकल के आई है, कैसे इसको अप्लाई करना है, ये सब के बारे में बात करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आप लोगों को जॉब पक्की हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका नोटिस है, देखिए दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जहाँ पे यहाँ पे राइट साइड में डेट दिया गया है, लेफ्ट साइड में थोड़ा दिन का नंबर दिया गया है, और यहाँ पे देखिए हेडिंग पे ही लिख दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के आधार से ही इसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे हम लोग को मिल जाएगा, देखिए रिक्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट। अब इसके लिए क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, देखिए पूरा टेबल बन के आता है। इस टेबल में क्या क्या है, पहला तो है सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ स्टेट, उसके बाद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, उस डिस्ट्रिक्ट में कितने वैकेंसी हैं, वो चीज़ दिया गया है। तो पहला असम है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरह से दिया गया है, और वो सबका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी मिल जाएगा, कितने कितने वैकेंसी दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को वो मिल जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए 13 है डिस्ट्रिक्ट असम का, और 26 उसका वैकेंसी हो जाता है। इसी तरह से और लास्ट यहाँ पे 8 नंबर सिक्किम का, देखिए सिक्किम में 3 दिया गया है ये, और जिसमें से साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, 6 वैकेंसी इसमें निकल के आती है। और ये सबका इंटरव्यू कहाँ होगा और कब होगा, वो सबका भी टेबल दिया गया है, जिसमें से असम अदर देन BTC जिसका 26 तारीख को होगा, उसके बाद BTC असम में 11 तारीख को होगा, 11:03 ये दिया गया है, और ये 26:02 दिया गया है, 8:30 बजे ये 9 बजे दिया गया है, और इसका प्लेस यहाँ पे मिल जाता है असम का, यहाँ भी असम का ही दिया गया है, बस एड्रेस अलग अलग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 24 तारीख को इसका होगा, 9 बजे पहुंचना है, और इसका ईटानगर में दिया गया है। इसी तरह से सारे स्टेट के लिए अलग अलग आते हैं, जैसे सिक्किम में देख सकते हैं 5 तारीख को होगा, 5 मार्च 2020, 9:30 बजे सिक्किम स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एरिया गैंगटॉक सिक्किम दिया गया है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन दिया गया है, कोई भी ब्रांच से अगर कंप्लीट किए हैं डिग्री तो इसमें अटेंड हो सकते हैं, या तो फिर डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से अगर किए हुए हैं तब भी कर सकते हैं, मिनिमम जो रहेगा वो 45% होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वगैरह भी होना चाहिए, और एज 32 दिया गया है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर फुलफिल है तो आप लोग कर सकते हैं। 26,000 पर मंथ फिक्स सैलरी रहेगा इसका, एडिशनल यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह भी दिया गया है, ये सब का भी बेनिफिट मिलेगा। बायोडाटा के साथ में जाना है, हैंडराइटिंग बायोडाटा नहीं चलेगा, और साथ ही साथ उसका जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं सब कुछ लेके जाना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आप लोगों का नियरेस्ट ये सब पड़ता है तो ज़रूर जाएँ, इसमें अटेंड हो और जॉब पा सकते हैं इंटरव्यू देके। कोई एग्ज़ाम के साथ नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीधा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तब उनका जॉब पक्का हो जाएगा। हम लोग मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।